चलिए बात अब करेंगे भोपाल की, क्योंकि विजयपुर और बुधनी में आज थम जाएगा चुनावी प्रचार। प्रचार के आखिरी दिन बीजेपी और कांग्रेस झोंकेगी अपनी ताकत। शिवराज सिंह चौहान बुधनी में करेंगे चुनाव प्रचार, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी विजयपुर में जोर लगाएंगे। 13 नवंबर को विजयपुर और बुधनी में डाले जाएंगे वोट। 23 नवंबर को दोनों सीटों का रिजल्ट आ जाएगा। तो 23 तारीख को रिजल्ट आ जाएगा कि आखिर जनता ने किसे चुना है। देखिए, तमाम समीकरणों को साधते हुए अपने अपने प्रत्याशियों को दोनों दलों ने उतारा है मैदान में, लेकिन बुधनी सीट के लिए बीजेपी काफी आश्वस्त है क्योंकि बुधनी हमेशा से बीजेपी का गढ़ रहा है। लेकिन वहीं विजयपुर की अगर बात की जाए तो विजयपुर थोड़ी सी असमंजस की स्थिति बनती नजर आ रही है। यहां पर आपको बता दें कि कांग्रेस जो है कड़ी टक्कर देती हुई दिख रही है। कांग्रेस का दावा है कि कांग्रेस के पास आदिवासी वोट है। तो वहीं आपको बता दें कि खुद मुख्यमंत्री ने कई रोड शो विजयपुर में पहुंच कर किए हैं। मुख्यमंत्री खुद वहां पर पहुंचे, कई बार विजयपुर पहुंच चुके हैं सीएम मोहन यादव। और ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी शब्बीर अहमद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शब्बीर, आज प्रचार का आखिरी दिन है, लेकिन मध्य प्रदेश में चुनावी सरगर्मियां किस तरह देखने को मिल रही है? देखिए हिमानी, आज चुनाव प्रचार थम जाएगा, इसके बाद डोर टू डोर प्रचार करते हुए नेता नजर आएंगे और बाहरी नेता, यानी ये कह सकते हैं जिले से बाहर कर दिए जाएंगे, वहां पर सिर्फ स्थानीय नेता ही रहेंगे। इसके अलावा बात की जाए तो चुनाव के लिहाज से कि क्या इसका सियासी फायदा नफा नुकसान हो सकता है, तो सरकार की सेहत पर परिणाम कुछ भी हो, किसी तरीके का कोई भी ये कह सकते हैं कि सरकार की सेहत पर असर पड़ता हुआ नजर नहीं आएगा। और उसकी वजह यह है कि सरकार बहुमत से करीब 50 सीटें ज्यादा है उसके पास, लेकिन विपक्ष की बात की जाए, खासकर पीसीसी चीफ जीतू पटवारी के सियासी करियर की बात की जाए, तो उनको लेकर जरूर सवाली निशान खड़े हो सकते हैं, क्योंकि उनके नेतृत्व में अभी तक की बात की जाए तो लोकसभा का चुनाव हुआ है, इसके अलावा छिंदवाड़ा का अमरवाड़ा चुनाव हुआ है, उपचुनाव हुआ है, वहां पर लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया था, एक भी सीट कांग्रेस नहीं जीती थी, अमरवाड़ा में क्लोज मार्जिन से कांग्रेस वहां पर हार गई थी। लेकिन इस बार की बात की जाए तो इस बार पीसीसी चीफ जीतू पटवारी काफी दमखम लगा रहे हैं, उनकी पूरी टीम लगातार जुटी हुई है। बुधनी में कांग्रेस की कोशिश यह है कि जो 1,04,000 वोटों से कांग्रेस 2023 का विधानसभा चुनाव हारी है उसको कम किया जाए, उस अंतर को कम से कम किया जाए, जिससे बोलने के लिए आए कि हमने शिवराज सिंह चौहान के गढ़ में वहां पर बीजेपी को पिछली बार की तुलना में आधे से कम वोटों पर लेकर आए। लेकिन सबसे ज्यादा जो कांग्रेस को उम्मीदें हैं वो विजयपुर से है, क्योंकि विजयपुर पर कांग्रेस को लगता है कि यहां पर दम लगाया जाएगा तो हम इस सीट को जीत सकते हैं। इसी के कारण हम देख रहे हैं कि पिछले 3 दिन से पीसीसी चीफ जीतू पटवारी वहां पर जुटे हुए। सरकार की बात की जाए तो सरकार भी अगर बुधनी के बाद अगर सबसे ज्यादा कहीं पर जोर लगा रही है तो वो विजयपुर में ही लगा रही। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कल रात्रि विश्राम करा, अलग अलग समाजों के साथ बैठक ली, तो यह कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश में सियासी लिहाज से नफा नुकसान की दिलचस्पी है। बड़ा दिलचस्पी भी नजर आ रहा है विजयपुर का चुनाव, क्योंकि कहा जाता है कि चंबल के जो लोग हैं अगर उनकी नाराजगी है तो वो भी साफ दिखती है, और अगर वो किसी को चाहते हैं तो वो भी साफ दिखते हुए नजर आते हैं। कई मुद्दे होते हैं लेकिन सभी मुद्दों पर जो है वो जातिगत समीकरण काफी भारी पड़ जाते हैं। अच्छा, जातिगत समीकरणों को समझा जाए तो कौन किस पर भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है? ग्राउंड जीरो पर आप भी रहे हैं शब्बीर। बिल्कुल आपने सही कहा, ग्वालियर चंबल की जनता जिससे नाराजगी रहती है वो खुलकर नाराजगी जताती है, और जिसके साथ रहती है वो खुलकर साथ रहती है, दबी जुबान ग्वालियर चंबल की जनता बिल्कुल नहीं रहती है। एक उदाहरण के तौर पर हमारे दर्शकों को एक जानकारी दे दूं, 2020 में जब कांग्रेस की सरकार गिरती है और फिर उपचुनाव होते हैं तो करीब 7 से 8 सीटें ऐसी रहती है जो ग्वालियर चंबल से बीजेपी सत्ता में रहने के बावजूद हार जाती है। 2 से 3 मंत्री वहां पर मौजूदा मंत्री चुनाव हार जाते हैं जब बाई इलेक्शन में जाते हैं, तो ये चंबल की तासीर है। और ये कहा जाता है कि वहां पर विकास भले ही जितना भी करवा ले, लेकिन चुनाव में आखिरी वक्त की बात की जाए तो जातिगत मुद्दों पर होता हुआ नजर आता है। और आपका सवाल भी था कि आखिर जातिगत आधार पर कौन हावी नजर आ रहा है, तो कागजों पर हम देखेंगे तो कागजों पर जो नजर आ रहा है
वो कांग्रेस आगे नजर आ रही, क्योंकि उसकी साफ वजह यह है कि बसपा ने वहां पर उम्मीदवार खड़ा नहीं किया, उससे कांग्रेस को एज मिलता हुआ नजर आ रहा है। हम 2023 के चुनाव परिणाम को देखेंगे तो बसपा को करीब वहां पर 34,000 वोट मिलते हैं और बसपा का जो उम्मीदवार रहता है वो कुशवा समाज से रहता है और वो कुशवा समाज की बात की जाए तो 30,000 से 40,000 के करीब है, दलित भी इसी के आसपास बताया जाता है। और ये कहा जाता है कि बसपा को इन दोनों समाजों का वोट मिला था, इसी के कारण उसका आंकड़ा 34,000 के करीब पहुंचा था और ये कांग्रेस के वोटर माना जाते हैं, खासकर हम विजयपुर में बात की जाए, क्योंकि कुशवा समाज को लेकर यह कहा जाता है कि रावत समाज और कुशवा समाज की स्थानीय स्तर पर वहां पर सियासी जुगलबंदी नहीं है, वो हमेशा एक दूसरे के खिलाफ वोटिंग करते हुए नजर आते हो। दलित वोट की बात की जाए तो वो कांग्रेस के साथ जाता हुआ नजर आया है, खासकर हम ग्वालियर चंबल में बात की जाए तो ये तमाम। और आदिवासी से तो खुद कांग्रेस के प्रत्याशी आते, सामान्य सीट से कांग्रेस ने आदिवासी को टिकट दिया, आदिवासी समाज वहां पर 60,000 है। 2018 में बीजेपी ने यही ट्रिक अपनाई थी तो वहां पर रामनिवास रावत जैसे कांग्रेस के दिग्गज नेता जो कांग्रेस में हुआ करते थे मंत्री जी की सीट बचाने के लिए ही मुख्यमंत्री ना जाने कितने दौरे कर चुके हैं विजयपुर के। वहां के लोग भी कह रहे हैं कि भाई सीएम होकर इतनी बार आए हैं, इससे पहले यहां पर इस तरह कोई भी सीएम इतनी बार नहीं पहुंचा था। बहुत बहुत शुक्रिया शब्बीर आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।